हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट अरमान मलिक एंड हिज वाइफ्स। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो तीसरी वाइफ जो है उसकी आने वाली है, वो तीसरी शादी करने वाला है, क्योंकि उसने ऐसे कहा था कि मैं ट्रेन हूँ और मेरे पीछे डब्बे जुड़ते जाते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि उसके पीछे जो अब वो तीसरा ट्रेन का डब्बा भी जुड़ने वाला है। तो ये क्यों कह रहे हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंस्टा पर और नहीं स्नैपचैट पर उसने स्टोरी डाली थी, कल उसने अपलोड की थी स्टोरी, जहां वो है अपनी जो घर की एक तरीके से आप मेड कह लो, आया कह लो या कुछ भी कह लो, वो उसी तरीके से उस घर में रहती है, उनके कामकाज वगैरह करती रहती है, बच्चों को संभालती है और एक आध बार सॉन्ग्स में भी नज़र आई है जो लक्षा लड़की है इनके घर में। तो उसको जो है उसने प्रपोज करता हुआ नज़र आया है और बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है ऐसा कुछ सॉन्ग गाते हुए नज़र आया और रिंग पहनाते हुए उसने ये वीडियो अपलोड की थी। देन उसके बाद उस चीज़ को कहा कि प्रैंक है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी एक प्रैंक सेम इसी लड़की के साथ ये कर चुका है, जिसमें वो कोर्ट मैरिज का कहता है दोनों को, पायल को और कृतिका को, मैं कोर्ट मैरिज कर चुका हूँ उससे। तो लोग कह रहे हैं बार बार एक ही लड़की से सेम शादी वाला मजाक, तो कहीं कुछ दाल में काला है, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो कृतिका के साथ भी लव मैरिज है, पायल के साथ भी लव मैरिज है, पायल उसकी पहली बीवी है, देन कृतिका उसकी सेकंड बीवी है। और इस चीज़ का खुलासा हो चुका है कि इन दोनों से पहले भी एक बीवी थी जिसको ये डिवोर्स दे चुका है, उसके साथ उसके दो बच्चे भी थे, तो वो सीन तो एक अलग ही है। जिसके बाद अब ये तीसरी शादी की अफवाहें हैं जो बहुत ज़्यादा फैली जा रही है, जो कह रहे हैं कि ये सब झूठ नहीं है, ये सब सच है, ये अपने प्रैंक के उसमें काफ़ी कुछ सच दिखा रहा है जो लोग नहीं देख रहे, जिसको लोग प्रैंक समझ रहे हैं, जिसको उसकी बीवियाँ प्रैंक समझ रही हैं, वो प्रैंक नहीं है, वो बहुत जल्द तीसरी शादी करने वाला है और ये तीसरी शादी है तो कर चुका है। क्योंकि जब अभी करवा चौथ भी रिसेंट वाला गया था ना, तो उसमें उसने संदीप, क्योंकि इसका रियल नेम संदीप है, अरमान मलिक का रियल नेम संदीप है, तो वो जो लड़की थी ना उसने वो भी रखा था, व्रत भी रखा हुआ था, देन उसने अपने नाम पर हाथ पे संदीप का नाम भी लिखाया हुआ था, जिसके बाद से ही काफ़ी अफवाहें फैल रही थी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें और उसके बाद वो जो व्लॉग था वो बहुत वायरल हो गया इसके बाद, क्योंकि कह रहे हैं कि भाई ये अपने प्रैंक में सच दिखा चुका है बहुत कुछ। इसके अलावा बहुत जो है वो पायल को सिंपति भी दी जाती है और पायल और कृतिका को जो है बहुत ज़्यादा लानतान भी किया जाता है, जैसा सबका नेचर और जैसा सबका नज़रिया। तो जहाँ तक मेरी सोच है कि या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, देखो धुआं है, आग उठ रही है, धुआं उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आग है। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी कुछ बातें चल रही हैं कि नहीं, इस प्रैंक में काफ़ी कुछ सच्चाई थी जो कि अनकरीब नज़र आएगी। और इस चीज़ का लोग कह रहे हैं, काफ़ी आपने कमेंट देखे, यही आपको मिलेगा कि इनकी तीसरी शादी जो है वो हो चुकी है इसकी, ये बहुत जल्द अपनी तीसरी शादी अनाउंस करेगा क्योंकि ये तीसरी शादी कर चुका है और ये चीज़ इसकी वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट भी है, बट आई थिंक सो कि उसको पब्लिसिटी की ज़रूरत है, वो भी इस टाइम पर काफ़ी अच्छा फेमस चल रहा है इस टाइम पर, तो पब्लिसिटी वाला तो स्टोरी नहीं लग रही। लेकिन क्योंकि वो लड़की कमारी है, वो कोई मंगनी वाले भी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो है नाम लिखवाती संदीप का, जो कि इसका है रियल नेम अरमान मलिक का संदीप है, तो उस चीज़ को लेकर भी बवाल मचा हुआ था। और अब ये प्रैंक्स तो बहुत कुछ कह गए हैं। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि अरमान मलिक की तीसरी शादी जो है वो हो चुकी है या वो करेगा अब, क्योंकि ये तो लग ही रहा है कि उसकी शादी होनी है, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि होनी है, होनी होनी है, बाकी देखते हैं क्या होता है। व्लॉग कैसा लगा हो, वीडियो कैसी लगी हो और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।